कई बार क्या होता है कि आप कोई ऑनलाइन कंपनी ज्वाइन करते हो या वो कोई एक रिमोट लोकेशन होती है। फॉर एग्जांपल आप अगर दिल्ली बेस हो, बैंगलोर बेस हो, मदुरई, हैदराबाद, बैंगलोर, चेन्नई, कोई सी भी एक सिटी हो सकती है, आप वहाँ पे बेस्ड हो एंड आप एक रिमोट जॉब कर रहे हो। रिमोट जॉब आपकी फ्रीलांसिंग भी हो सकती है, अपवर्क का भी कुछ काम हो सकता है, मतलब जो बहुत सारी वेबसाइट है, कई बार लोग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं और वहाँ पे आपका पीएफ भी नहीं कट रहा हो सकता, या नॉर्मल आपके 5-10 एम्प्लॉय हो सकते हैं आपकी कंपनी में, तो पीएफ नहीं कट रहा होता है और वो रिमोटली काम करा रहे होते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो रिमोटली काम कर रहे होते हैं। उस केस में प्रॉब्लम क्या आती है कि जब वो कंपनी फिजिकली कहीं है नहीं, वो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती है लोकेशन में, तो वहाँ पे फिर आपको प्रॉब्लम होती है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की। जब आप किसी एक टॉप एमएनसी कंपनी में जाते हो, चाहे एचसीएल हो गया, आईबीएम हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, कोई सी भी वो कंपनी हो सकती है, जब आप किसी टॉप लेवल की कंपनी में वहाँ पर जाते हो, ज्वाइन करते हो, तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में पूछते हैं कि आपकी कंपनी का फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। फिजिकल वेरिफिकेशन वो पूछते क्यों है, क्योंकि देखो अगर आप किसी बड़ी कंपनी से छोड़ के जा रहे हो, जैसे टेक महिंद्रा हो गया, आईबीएम, एचसीएल, विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस या कोग्निजेंट, कॉन्सेंटेक्स, तो ये कंपनीज क्या हैं, ये सबको पता है, कंपनी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती हैं, या उनका डेटा है, उनकी लोकेशन है, ये सबको पता है। और कंपनी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की कंपनीज क्या करती हैं, पर्टिकुलर वो उसको चेक मार्क कर लेती हैं कि हाँ ये कंपनी कहीं ना कहीं वैलिड है, कहीं ना कहीं ये एग्जिस्ट करती है, बट उनको ईमेल पे वेरिफिकेशन एक बार मिल जाता है तो वो कंफर्म कर देते हैं। बट स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए या छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन के रिमोट जॉब्स के लिए क्या होता है कि वो कंपनी लोकेटेड नहीं होती और वो डेटाबेस में नहीं होती है, उनको पता भी नहीं होता है, तो इस वजह से वो फिजिकल वेरिफिकेशन कराते हैं। तो इस केस में अगर आपको लग रहा है आप ऐसी जॉब कर रहे हो जहाँ पे वो कंपनी फिजिकली नहीं है, तो अगर आप किसी एमएनसी कंपनी के लिए मूव हो रहे हो, तो सबसे पहले इंटरव्यू के टाइम पे ही ये इंटरव्यूअर से डिस्कस करना या वहाँ की एचआर से डिस्कस करना कि जिस करंट कंपनी में मैं वर्किंग हूँ वो एक रिमोट जॉब है, वो फिजिकली कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करती है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए। बट हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर आप ओवर ईमेल वेरिफिकेशन करोगे तो कंपनी आपका वेरिफिकेशन करेगी, जो उसका प्रोसेस है। बट अगर आप बात करो कि फिजिकल वेरिफिकेशन वहाँ पे एग्जिस्ट करती हो, कुछ भी ऐसा हो, तो वहाँ पे नहीं है, तो ये चीज़ आपको पहले से बता के रखना है उस कंपनी को, ताकि जब बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हो उस चीज़ में वो ना निकले कि नहीं आपकी कंपनी मुझे मिल नहीं रही है, कहीं लोकेटेड नहीं, तो वो आपका फिर फेक में कंसीडर हो जाता है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा का पूरा, बट 90% केस होते हैं कि आपका रिजेक्शन हो जाए वहाँ से। कई बार 10% के केस में आप जब जस्टिफिकेशन देते हो तो कंपनीज मान जाती हैं, बट आप ये पहले से अपफ्रंट बता के चलोगे तो वहाँ पे आपके लिए ही बेनिफिट है, उन्हें लगेगा कि बंदा जेन्युइन करके आ रहा है। एंड कई कंपनी रजिस्टर्ड भी होती हैं MCA 21 के पास, जो डेटा गवर्नमेंट का डेटा होता है, कई बार कंपनीज वहाँ पर रजिस्टर्ड भी होती हैं, तो वहाँ से भी डेटा फाइंड आउट कर लेते हैं वो लोग, बट उससे वो प्रॉपर सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, इसलिए वो फिजिकल वेरिफिकेशन कराते हैं। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कंपनी रजिस्टर्ड है कि नहीं है। अगर कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है तो समझ लो आपको थोड़ी सी और ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। कंपनी अगर रजिस्टर्ड है तो कई बार उससे भी काम चल जाता है। तो बस इसके अलावा अगर आपका कोई कमेंट या क्वेरी है, आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में पिंग कर सकते हो या मुझे व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हो, एंड वहाँ पे चार्जेबल कॉल होती है अगर आपका कुछ भी इशू है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन रिलेटेड। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।